चंपा देवी पार्क में 12 और 13 जनवरी को आयोजित गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों को जिला प्रशासन अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस तथा महोत्सव के नोडल अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव 2021 की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रदर्शनी के लिए अलग अलग स्टॉल लगाया गया है, जिसमें टेराकोटा को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी की गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति का आकर्षण केंद्र बनेगा तथा सिलाई कढ़ाई से बने वस्तुओं तथा विभाग के द्वारा कृषि उद्यान विज्ञान प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, कृषि प्रदर्शनी सहित अन्य प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि महोत्सव में 200 प्रकार के अलग अलग स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिसका लाभ आने वाले नागरिक उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए महोत्सव में मुख्य मंच के जरिए नाटक, कविता, नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए मेले में जाँच की व्यवस्था भी की गई है, कोई भी नागरिक मेडिकल कैंप में आकर अपना जाँच करा सकता है। उन्होंने सभी नागरिकों से मास्क लगाकर आने के लिए अपील किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस तथा महोत्सव के नोडल अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, 50,000 रुपए की किटी इसी में हमने क्रिएट कराई, कोई किसी को भी पता नहीं करने कर ले तो ये कह रहे हैं कि ये जो दिल्ली और पीडब्ल्यूडी तो यहाँ है ही नहीं ना, पीडब्ल्यूडी के पास कोई पीडब्ल्यूडी को तो हम ऐसे ही काम करा रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं कि एक ट्रॉली या दो ट्रॉली ईंट मंगा लें पुरानी, उसको फटाक से बिछवा ये सैंड सैंड निगम की दो टॉयलेट गाड़ियाँ हैं, हम जिस उसके लिए आप फेकट ना ले, वो अपना खड़ा करें, जहाँ खड़ा कर रहे हैं वो हमारा ऑक्यूपाइड स्पेस को ले रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह हूँ, महोत्सव का नोडल अफसर हूँ और एडीएम फाइनेंस हूँ गोरखपुर में। गोरखपुर महोत्सव 2021 को लेकर के हमारी सभी तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं, आज रात तक सभी स्टॉल सज जाएंगे। अब हमें स्वागत है तो केवल दर्शकों का और यहाँ के निवासियों का, नागरिकों का, वे आएँ और गोरखपुर महोत्सव 2021 का आनंद उठाएँ। कितने लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे? यहाँ पर लगभग 200 स्टॉल हम लगा रहे हैं। जो डिपार्टमेंट है हमारे पास, कृषि है, उद्यान, सरस, पुस्तक, विज्ञान प्रदर्शनी, बहुत अच्छा फूड कोर्ट है, मेडिकल की यहाँ पे पूरी व्यवस्था है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा, यदि वो अपना टेस्ट कराना चाहे तो उसका टेस्ट भी हो जाएगा, और यदि उसको किसी भी प्रकार की कोई असहज स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको तुरंत मेडिकेशन अवेलेबल हो जाएगा।